लखनऊ से, जहां पर अखिलेश के कैबिनेट मंत्री राजा भैया को नोटिस जारी हुआ है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने नोटिस जारी किया है। विनोद मिश्रा की याचिका पर नोटिस जारी किया गया है। विनोद मिश्रा की गिरफ्तारी पर भी अब रोक लगाई गई है। मनोज तिवारी और विनोद मिश्रा ने खाद्यान्न घोटाले पर दायर की थी APIL और राजा भैया को 25 जनवरी तक अब जवाब देना होगा। और हमारे साथ हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, खुरम निजामी, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। खुरम, क्या ताजा अपडेट है इस पूरी खबर पर? देखिए, एक विनोद मिश्रा हैं और उनके साथ मनोज तिवारी, इन्होंने मनोज तिवारी ने प्याज दाखिल की थी फूड स्कैम पर, जो सर्वेश मिर्जा था और विनोद मिश्रा उनकी पैरवी किया करते थे। ये रिश्ते मामा लगते हैं मनोज तिवारी के, और इसमें राजा भैया का भी नाम आ रहा है, क्योंकि खाद्य रसद मंत्री थे राजा भैया उस दौर में जब ये स्कैम पूरा हुआ था। और उसके बाद एक साल में तकरीबन 40 मुकदमे विनोद तिवारी लाभ किए गए थे और उन पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटक गई थी, जिसके बाद उन्होंने एक याचिका दाखिल की थी हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में और उन्होंने गुहार लगाई थी, जिसके बाद आज फैसला आया। जस्टिस अजय लंबा की कोर्ट से उन्होंने न सिर्फ अरेस्ट दे दिया बल्कि राजा भैया से, जो अखिलेश यादव के कैबिनेट मंत्री हैं, उनसे जवाब भी मांगा है, नोटिस इश्यू कर दिया है कि 25 जनवरी तक के समय से कि आखिर किस तरीके से उनको प्रताड़ित किया जा रहा था। तो अब देखना यह हुआ कि 25 जनवरी को राजा भैया क्या जवाब देते हैं हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में। जी खुरम, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से अखिलेश यादव का मानना है कि वो एक साफ सुथरी छवि के साथ आगे बढ़ते हैं, ये पहला मौका नहीं है किसी दागी मंत्री का कैबिनेट में होना, अब जब चुनाव आ रहे हैं तो क्या कुछ असर दिखेगा उनकी मौजूदगी में? जी तमन्ना, ये बिल्कुल बड़ी दिक्कत है अखिलेश यादव के लिए, क्योंकि वो एक तरह से मिस्टर क्लीन इमेज अपने साथ करना चाहते हैं, लेकिन उन्हीं कैबिनेट मंत्री हैं राजा भैया जिनको नोटिस जारी हुआ, इनका नाम पहले भी सेवत्याखान में आया था, उनको बस उनको मंत्रिमंडल से बाहर रास्ता दिखा दिया गया था, बाद में जब उनको CBI से क्लीन चिट मिली तो उनको वापस ले लिया गया था। हालांकि CBI कोर्ट ने उस क्लीन चिट को खारिज कर दिया था, दोबारा उसकी जांच चल रही है। तो एक बड़ा मामला है कि किस तरीके से एक आदमी जो करप्शन को उजागर करता है और जो उससे इंगित होते हैं राजा भैया, वो उस शख्स के खिलाफ पड़ जाते हैं और मुकदमा कायम करा देते हैं और उनको परेशान कर रहे थे, जिसको आज राहत दी है हाईकोर्ट लखनऊ बेंच ने। तो अब 25 जनवरी को देखने वाली बात होगी कि राजा भैया की जवाब देते हैं इस मौके पर। तमन्ना जी, और खुरम, एक और सवाल ये है कि जिस तरह से अब चुनाव आ रहे हैं, शिवपाल यादव भारी पड़ रहे हैं टिकट बंटवारे को लेकर अखिलेश यादव पर, ऐसा लगता नहीं है कि कुछ फेरबदल हो पाएगा? देखिए, हाँ, दो बातें हैं। तो एक शिवपाल सिंह यादव स्टेट प्रेसिडेंट हैं और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हैं, यानी कि मंत्रिमंडल में कौन होगा कौन नहीं होगा ये तय करना है अखिलेश यादव को, और शिवपाल सिंह यादव को इसमें इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि समाजवादी पार्टी के सदस्य नहीं, निर्दलीय विधायक राजा भैया। और खास बात ये भी है कि राजा भैया शिवपाल सिंह यादव के बेहद करीबी हैं और उनके कैंप के बताए जाते हैं, और अब देखना यह हुआ कि अखिलेश यादव क्या कुछ लेते हैं, क्योंकि अगर मिस्टर क्लीन इमेज अपना को स्थापित करना चाहते हैं तो ताज्जुब की बात नहीं कि तो एक बार पहले भी बर्खास्त किया गया था, दोबारा भी करते हैं कि नहीं करते, ये देखने वाली बात। फिलहाल इस सबका इजाज करना होगा कि इसका असर राजनीतिक हल्के क्या होता है। तमन्ना, चलिए खुरम, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो खाद्यान्न घोटाले पर दायर की थी PIL और राजा भैया को अब 25 जनवरी तक जवाब देना होगा।